हाय, फाइनली गूगल ने भी अपना चैट जीपीटी के कंपटीशन के अंदर बार्ड लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। आज से वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हो गया बिल्कुल फ्रीली। तो आज हम देखना चाहेंगे कि बार्ड और चैट जीपीटी दोनों को लेवल को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है एंड यूजर के पर्पज से, टेक्नोलॉजी किसके अंदर क्या यूज हुई है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई बार्ड तो लैम्डा बेस्ड है और चैट जीपीटी जीपीटी बेस्ड है। हम एक एंड यूजर है तो एंड यूजर के हिसाब से हम चेक करना चाहेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कि चैट जीपीटी बेटर है कि बार्ड बेटर है। ये तो टाइम बताएगा, लेकिन आज के टाइम पे जो हमें छोटे छोटे डिफरेंस इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं उन सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्ड एंड चैट जीपीटी। तो देखिए, चैट जीपीटी हम दोनों के डिफरेंस को चेक करने के लिए हम सीधे से एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन करेंगे, दोनों से बिल्कुल सेम। राइट ए ब्लॉग ऑन राइजिंग ऑफ एआई, और देखते हैं दोनों से क्या रेस्पॉन्स करते हैं। देखिए, चैट जीपीटी का रेस्पॉन्स आ रहा है इसके ऊपर, आर्टिफिशियल डिटेल के ऊपर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन लाइन ये टाइप करता जा रहा है चैट जीपीटी। तो उसके बाद देखते हैं कि बार्ड के ऊपर क्या आएगा। एक बार हमने क्वेश्चन करा तो उसने एक ही बार इसका रेस्पॉन्स करा हुआ है, इससे ज्यादा इसने करा नहीं है। इसको अगर जो क्वेश्चन हमने पूछा था राइट ए ब्लॉग ऑन राइजिंग ऑफ एआई, अगर हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो इसे रीजनरेट करने के लिए बोलेंगे रेस्पॉन्स को, तो इसको रीजनरेट करेगा। इसने रेस्पॉन्स दे दिया। अब इसी के साथ के अंदर हम बार्ड के ऊपर जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन या सेम जो प्रॉम्प्ट हमारी जो क्वेरी है वो बार्ड के ऊपर कर देते हैं। तो देखिए, बार्ड के अंदर क्या क्या, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी तक इसने कुछ भी रेस्पॉन्स दिया नहीं है। ये जब रेस्पॉन्स देगा ये एक साथ ही देगा, और एक साथ भी एक नहीं दो तीन रेस्पॉन्स देगा। देखिए, इसने कुछ थोड़ा सा टाइम लिया रेस्पॉन्स करने के अंदर, लेकिन लाइन बाय लाइन देकर के पूरा का पूरा इसने जो भी इसके पास में आंसर था, जो रेस्पॉन्स देना था, पूरा का पूरा एक साथ दे दिया बार्ड ने। और इसने एक नहीं तीन तीन रेस्पॉन्स हमारे साथ में दिए कि एक की जगह पे दो हो गए। जो भी आपको पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी आपको रीजनरेट करना है तो यहाँ से इसको और रीजनरेट कर सकते हो, तो ये और तीन रेस्पॉन्स आपको निकाल करके दे देगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि चैट जीपीटी से जब भी आप कोई क्वेरी प्रॉम्प्ट करते हो तो उसका वो जो रिप्लाई करता है वो लाइन बाय लाइन लिखता हुआ आपके सामने दिखता रहता है, जैसे कि टाइपिंग हो रही है। लेकिन जो गूगल का जो बार्ड है वो आपको एक साथ में पूरा बंच का बंच आपको लौटा देता है, और एक नहीं तीन रेस्पॉन्स आपके साथ में देता है, मल्टीपल रेस्पॉन्स आपको देता है, मल्टीपल ड्राफ्ट आते हैं जिसको आप यूज करना चाहें। अपने आप देख करके देख सकते हैं कौन सा आपके पास सुटेबल है कौन सा नहीं है। ये स्लाइटली थोड़ा टाइम लेता है लेकिन एक साथ दे देता है। इससे क्या होता है, अब अगर आपको एक जो रेस्पॉन्स पसंद नहीं आया तो गूगल बार्ड ने आपको ऑलरेडी तीन रेस्पॉन्स दे दिए, तीनों में से कुछ चीज से चूज करोगे। अब इसको जब रीजनरेट करने के लिए बोलेंगे तो वापस से तीन और दे देगा। लेकिन जब चैट जीपीटी के अंदर करते हैं तो अगर रेस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं लगा तो उसको रीजनरेट करेंगे तो ये उसी रेस्पॉन्स को वापस से अपडेट करेगा और लाइन बाय लाइन लिखेगा, तो ये वापस से एक ही रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, मल्टीपल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम हो सकता है कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है चैट जीपीटी के अंदर, लेकिन बार्ड आपको एक बार में मल्टीपल ऑप्शन दे देता है तो आप बार्ड के अंदर उसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसके साथ के अंदर देखिए कि चैट जो बार्ड का जो रेस्पॉन्स हमारे पास में आ रहा है और जो चैट जीपीटी का रेस्पॉन्स हमारे पास में आ रहा है, तो चैट जीपीटी का रेस्पॉन्स जो आ रहा है बिल्कुल ज्यादा एलोबेट आ रहा है, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी आ रहा है, कि ज्यादा आपको समझ में आने लायक है। तो चैट जीपीटी का जो रेस्पॉन्स है वो ज्यादा रिलेवेंट है, रिलेवेंट टू कंपेरिजन टू बार्ड के। लेकिन ये जो डिपेंड करता है कि आप क्या क्वेरी प्रॉम्प्ट कर रहे हो दोनों के दोनों चैटबोर्ड से, दोनों हो सकता है कि दोनों चैटबोर्ड की टेक्निक अलग है, तो कोई किसी को कुछ समझेगा कुछ कुछ समझेगा, लेकिन एंड यूजर के हिसाब से एक ही क्वेश्चन के दोनों अलग अलग आकर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए रेस्पॉन्स बेटर करेगा वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया कि भाई रेस्पॉन्स ये स्टेप बाय स्टेप करता है और बार्ड एक साथ हमें बंच में देता है, मल्टीपल रेस्पॉन्स देता है जो आप चूज कर सकते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं। और ऊपर रेस्पॉन्स के अंदर साथ के अंदर ये क्या देता है हमें गूगल, ये हमें ऑप्शन भी देता है कि आपको सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, लाइक डिसलाइक और ये सब कुछ। एक्सपोर्ट करने का रेस्पॉन्स भी इसके अंदर हमें इसने दे दिया है कि जो भी क्वेरी आई है उसको आप एक्सपोर्ट कर लो। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर ऐसी कोई चीज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर से पूछा है कि जो आपको रेस्पॉन्स दिया है वो क्या है क्या नहीं है। अब इसी रेस्पॉन्स को हम चाहते हैं कि इसकी समरी हमें मिल जाए, तो हम इससे बोलते हैं राइट ए समरी ईमेल टू माई कलीग विकास। हमने इसे जो क्वेश्चन पूछा था उसी के ऊपर इसने आंसर किया था कि जो हमारे पास रेस्पॉन्स आया उसी की, इसका पर्पज तो यह था कि जो हमने पूछा था कि भाई एआई के ऊपर जो ब्लॉग लिखा है उसके समरी करके हमारे दोस्त को मेल करना, उसके अकॉर्डिंग भेज दी जाए।
राइट ए प्रोग्रेस, लेकिन चैट जीपीटी ने हमको रेस्पॉन्स क्या दिया, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स एज वैल्यू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस डेवलपिंग इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसने रैंडम हमको दे दिए है। इसकी जगह पे अगर हम इसको करेंगे राइट ए समरी ईमेल होप अबो टेक्स्ट, तो उसको रेस्पॉन्स करके देगा कि अब ये हमें लिख करके दे रहा है जो हमने जो क्वेश्चन था जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग लिख करके दे रहा, तो ये सेम इस तरीके से कर रहा भी है वो। अब उसी चीज की अगर हम बात करते हैं कि गूगल बार्ड से पूछते हैं तो गूगल बार्ड हमें क्या रेस्पॉन्स करेगा, इसके ऊपर लिखते हैं जो इसी हमने पूछा था सेम वही पूछेंगे, राइट ए समरी, कुछ अलग से नहीं पूछेंगे, राइट ए समरी ईमेल ओके, यह थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसने कुछ रैंडम निकाल के दे दिया कि क्या है क्या नहीं है, राइट ईमेल जो हमें चाहिए था वो एग्जैक्ट इसने भी निकाल के हमें नहीं दिया यहाँ पे, राइट ए समरी ईमेल टू माय कलीग विकास, तो ये इसके ऊपर देखिए रैंडम मेल दे दिया। अब इसी की जगह पे जब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेरी रेस्पॉन्ड करेंगे तो ये भी हमें बिल्कुल क्वेरी दे देगा रेस्पॉन्स के अंदर की जो चीज थी वही रिप्लाई में देगा, तो इसका मतलब जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेस्पॉन्स में क्या आएगा। देखिए इसके बाद में हमने राइट ए समरी, राइट ए समरी ईमेल ऑफ अबाउट टेक्स्ट टू माय कलीग विकास, इसने क्या बोला ऊपर जो कलीग जो आया था उसके ऊपर इसने रिप्लाई कर दिया कि मीटिंग के ऊपर रिगार्डिंग, लेकिन यही जब हमने चैट जीपीटी से पूछा था कि अबाउट टेक्स्ट के ऊपर जो लिख करके हमें दे देगा, क्योंकि वो सेम जो क्वेरी हमने पूछी थी वो एडिट हो गई थी इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हम इसी क्वेरी को एडिट करेंगे, एडिट करने का इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिससे हम नई क्वेरी पोस्ट करते हैं, नई क्वेरी को ही प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, यहां नहीं आ रहा इसके ऊपर, इसी को हम कर सकते हैं राइट ए समरी ईमेल ऑफ, अभी तो चला गया है इसके ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, इसको वापस से हमें करना पड़ेगा कि वापस से हम इससे पूछते हैं राइट ए ब्लॉग ऑन राइजिंग ऑफ एआई और उसको वापस से पूछेंगे ताकि हमको एग्जैक्ट पता रहे कि ये क्या करता है क्या नहीं कर रहा है, राइट ए ब्लॉग ऑन राइजिंग ऑफ एआई, इसके जस्ट बाद में हम इनसे सवाल पूछ लेते हैं ये वाला, तो क्या ये हमको इसके बावजूद भी बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है कि नहीं, जो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट ए समरी ईमेल ऑफ अबाउट टेक्स्ट टू माय कलीग्स, राइट ए समरी ईमेल ऑफ अबाउट टेक्स्ट टू माय कलीग विकास, अब इसका रेस्पॉन्स में क्या देता है चेक करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने तो इसको बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर दे दिया था जो कि होना था ये है, बिल्कुल समरी ऑफ एआई इसने बिल्कुल करेक्ट दे दिया जो इसके पास इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो वहां पे भी यही है कि जो ज्यादा मोर एक्सप्लेनेटरी जो रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन लग रही है चैट जीपीटी की लग रही है, लेकिन बार की हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है अभी तक दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, चैट जीपीटी रेस्पॉन्स देता है स्टेप बाय स्टेप और बार हमको रेस्पॉन्स देता है एक साथ, लेकिन चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट का आंसर जब करता है तो केवल एक ही रिप्लाई करता है, लेकिन बार्ड रेस्पॉन्स में हमारे पास में मल्टीपल ड्राफ्ट करता है कि जो आपको ड्राफ्ट सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, तो एक तो डिफरेंस, दो डिफरेंस तो ये हो गए। तीसरा कि जब स्लाइटली स्लो लगता है चैट जीपीटी इन कंपेरिजन टू, मतलब कि बार्ड जो स्लो लगता है चैट जीपीटी के कंपेरिजन के अंदर, क्योंकि वो रिप्लाई करना तुरंत स्टार्ट कर देता है, जबकि ये रिप्लाई मल्टीपल रिप्लाई करता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको देने के अंदर। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं इससे कि अभी देखिए राइजिंग ऑफ एआई ये हमने क्वेश्चन पूछा था तो इसके ऊपर ये इसने इसको सेव करके रख लिया है, वैसी तरीके से ये भी बोर्ड एक्टिविटी के अंदर आपके पास सेव करके रखता है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हुए वो सबके सब आपकी यहाँ पे एक्टिविटी दिखेगी, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहे हो, सब कुछ यहाँ पे हर जो भी आपने क्वेरी पूछी वो सबके सब अलग अलग है, जबकि चैट जीपीटी के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री चल रही है एक के अंदर एक। अब इसके अंदर आप न्यू चैट करेंगे तो नई चैट के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब हम पूछना चाह रहे हैं रियल टाइम के अंदर अभी जयपुर का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जयपुर नाउ, अभी जयपुर का टेम्परेचर क्या है, आई एम सॉरी इसने मना कर दिया कि मेरे पास में इसका जवाब नहीं है क्योंकि मैं चैटबॉट हूं और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो उसको नई क्वेरी करने का पोस्ट नहीं आ रहा है, ये हमने रिसेट कर दिया तो ये क्वेरी हमारे पास में रिसेट हो गई है, ये पीछे बाढ़ में चली गई है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जयपुर नाउ, ये जयपुर का टेम्परेचर निकाल के दे दिया है, द करंट टेम्परेचर इज जयपुर, इतना टेम्परेचर क्यों, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ में सीधा कनेक्टेड है, गूगल सर्च के अंदर जाकर के जो भी सर्चिंग करेंगे उसके बेस के ऊपर रिजल्ट निकाल करके
बार दे देता है, लेकिन चैट जीपीटी डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड है लेकिन लाइव नहीं है, रियल टाइम जो भी आप क्वेरी पूछेंगे उसका चैट जीपीटी के पास में आंसर नहीं होता, लेकिन गूगल का जो बार्ड है रियल टाइम के आंसर भी आपको दे सकता है, बिल्कुल इसको देता है। तो इस तरह के दो इसके ऊपर मेजर डिफरेंस है कि चैट जीपीटी रियल वर्ल्ड के बारे में रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जो बार्ड है रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन चैट जीपीटी एट ए टाइम सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है और सिंगल रेस्पॉन्स देता है, लेकिन बार्ड हमारे पास सिंगल प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट के अंदर मल्टीपल ड्राफ्ट आपके पास में आंसर में देता है, जो आपको चूज करना वो चूज कर सकते हो। दूसरी कि बार्ड जो आपकी हर एक्टिविटी को सेव करके रखता है अलग अलग तरीके से, लेकिन तो चैट जीपीटी पूरे सीक्वेंस को मेंटेन करके चलता है कि उस सीक्वेंस के ऊपर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस सीक्वेंस के ऊपर आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, और उसी के बेस के ऊपर जिस तरीके से हम दो पर्सन बात करते हैं कि उसके आंसर के ऊपर ये आंसर हुआ उसके आंसर पर ये आंसर हुआ, तो उसके ऊपर चैट जीपीटी काम करता है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी और बार्ड के दो मेजर डिफरेंस आज हमने नोटिस करें कि एक तो होता है कि स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्स करता है, वो एक साथ रेस्पॉन्स करता है, वो रियल टाइम बार्ड जो रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता है, लेकिन आपके सामने चैट जीपीटी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। तीसरा, चैट जीपीटी का जो एडवांस वर्जन है वो पेड वर्जन है, जबकि बार्ड जो है टोटली फ्री है। तीसरा, बार्ड जो भी अपडेट करता है वो इन्फॉर्मेशन अपने साथ में शेयर करता हुआ जा रहा है कि मैंने कब क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता रहता है कि बार्ड के अंदर क्या अपडेट चल रहा है, लेकिन आपको चैट जीपीटी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। ओके, इसी तरीके से पूरी पूरी हम सीरीज चलाने वाले हैं कि चैट जीपीटी और गूगल का जो बार्ड है हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर, पर्सनल डिफरेंट डिफरेंट करियर एस्पेक्ट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कैसे हमें यूजफुल होगा और कौन से को यूज करना बेटर है और किस तरह की क्वेरी किससे पूछनी चाहिए, प्रॉम्प्ट क्वेरी कैसे करी जाती है, इन सब के ऊपर डिस्कशन आने वाली सीरीज के अंदर रेगुलर करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगी है तो प्लीज 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 इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।